अस्सलामुअलैकुम क्लास 7, आई होप यू आर फाइन और आपने प्रीवियस लेक्चर्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड किया था सॉल्व, जिसमें हमने देखा था कि ग्रेटर नंबर्स कौन से होते हैं, लेस नंबर कौन से होते हैं और इक्वल नंबर्स क्या होते हैं। माइनस में आपने पढ़ा था कि जो नंबर होता है, जो जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करके फिर नंबर्स को देखा था। ये सब कुछ आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिया था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का आपको पता होना चाहिए कि पहले डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली होता क्या है। डिसेंडिंग में आप क्या करते हैं, आपको फ्रैक्शन जैसे नीचे गिवन है, इसमें आपने जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है उसको सबसे पहले लिखना है, यानी बिग टू स्मॉल नंबर्स की तरफ आप जाते हैं। ठीक है, पहले सबसे बड़ा आप नंबर लिखेंगे यहाँ पे, कौन सी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी ऑनवर्ड चलते जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है, 1/2, 2/3 और 8/9 है। अब आपको इस चीज़ का तो पता हो गया है कि आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी है और फिर कौन सी उससे छोटी और उससे छोटी है। तो आपको इसके लिए उसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। अब मैंने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं। 2 1s are 2, 3 are 9 एज इट इज़, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1 or 3 1 1, 2 3s are 6, 6 3s are 18। आपके पास इसका एलसीएम क्या आ गया, 18 आ गया। इसका मतलब है आपने अपने जो नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर को 18 बनाना है। 18 बनाने के लिए मुझे 2 को 18 बनाना है, तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 बनेगा। अब 3 को आपने 18 बनाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 होता है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे काम करते हैं वही ऊपर करते हैं। अब 9 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 8 2s are 16, 9 2s are 18। अब आपके पास सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 18 बन गए हैं, तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है और उससे छोटा कौन सा है। अब सबसे बड़ा 16 नंबर है, तो हमारे पास 16 सबसे पहले आ जाएगा, देन आपके पास 12 है और उसके बाद आपके पास 9 है। अब हमने अरेंज कर दिया, लेकिन आपने एक और चीज़ करनी है लास्ट पे, कि आपका जो ओरिजिनल जो नंबर था पहले वाला, आपने अपने आंसर में वो लिखना होता है। अब 16 by 18 एक्चुअल में कौन सी वैल्यू थी, 8/9, तो आप 8/9 को पहले लिखेंगे। 12/18 आपके पास कौन सी वैल्यू थी, 2/3, फिर आप वो लिखेंगे और देन जो है दूसरा नंबर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने नंबर्स को करना है। अब आपके पास बाकी 2 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें आप क्या करते हैं, नंबर्स को सबसे छोटे वाले को पहले लिखते हैं, उससे बड़े वाले को, उससे बड़े वाले को, देन उससे बड़े वाले को, यानी स्मॉल टू बिग नंबर्स की तरफ आप मूव करते हैं। अब आपको समझ तो आ गई है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इनमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम करना है एलसीएम लेके, फिर जो ऊपर सबसे नंबर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा उसको छोटा लिखना है, फिर आपने उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके सिमिलर डिनोमिनेटर्स लेके आने हैं, फिर आपने अरेंज करना है। असेंडिंग है तो असेंडिंग ऑर्डर में करें, डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, और फिर लास्ट में जो ओरिजिनल नंबर्स हैं वो वाले लिख के आपने जो है आंसर लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपने इसको नीट कॉपी पर लिखना है, साथ काम करते जाएँ अपना, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लेना, और आपका जो ये काम है जो आप लिख रहे हैं ये चेक होगा, तो काइंडली साथ साथ करते जाएं, और कोई भी प्रॉब्लम हुई तो पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।